हाय एवरीवन, इंजीनियरिंग जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए न्यूक्लियर फ्लूइड कॉम्प्लेक्स की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो आप देख सकते हैं, यह जॉब न्यूक्लियर फ्लूइड कॉम्प्लेक्स की तरफ से अलाउंस की जा रही है। फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 16 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60%। नेक्स्ट जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नंबर आप पोस्ट 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ओके, स्पेशली सिविल इंजीनियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए 6 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके साथ साथ डिप्लोमा में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ओके, और एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जर्नल के लिए एज जो है 18 ईयर टू 24 ईयर होनी चाहिए, और STSC के लिए एज 18 ईयर टू 29 ईयर, और OBC के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर टू 27 ईयर। ओके, और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो पेमेंट होगी 44,900 अप्रॉक्स 45,000 के बीच आपकी पेमेंट होगी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। ओके, अप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 150, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 150 रुपये पे करने होंगे। ओके, और अब बात करते हैं कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करोगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, www.nfcgov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 22/12/2019, यानी कि 22 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10/1/2020, यानी कि 10 जनवरी को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। ओके, सो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।